वहीं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विश्व के लोगों को जो इस आस्थिक परंपरा में आस्था रखते हैं, उनको मैं बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। और यह मकर संक्रांति लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे देश के लोग खुशहाल रहें। और यह है भारतीय परंपरा का एक अद्भुत कुंभ है। विश्व में ऐसा कुंभ कहीं नहीं लगता है। आज मैं देख रही हूँ, पहले निकलती थी लेकिन आज मैं अखाड़े के साथ निकल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी पुरानी परंपरा, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, अमृत गिरा होगा, और जहाँ जहाँ अमृत कलश से गिरा वहाँ कुंभ लगते हैं। दो कुंभ ऐसे हैं, हरिद्वार और प्रयागराज, जहाँ छः साल में पड़ते हैं। तो आज इस कुंभ को जो भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भव्य और दिव्य कुंभ दिया, वो आज नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में ही नहीं विश्व के पटल पर इस कुंभ को स्थापित करने का और एक मान्यता दिलाने का, जो एक परंपरा हमारी चल रही थी उसको विश्व के लोग जाने कि भारत में भी आज इतनी मर्यादा अनुशासन के साथ इतना बड़ा मेला लगता है, ये हमारे देश की एकता और हमारे देश की धार्मिक